नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच MU दुआ जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे कुछ गहन विषयों पर बातचीत करेंगे। सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप स्टूडियो में आए। हमारा देश अभी G20 की अध्यक्षता कर रहा है, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव काल मना रहे हैं। अमृत महोत्सव काल मनाएंगे तो कैसा भारत आप देखना चाहते हैं? और जो बच्चियों का मुद्दा जो था जंतर मंतर पे, उन्होंने धरना दिया था, ब्रिजभूषण के ऊपर जो है FIR लॉज हुई, कोर्ट से भी उनको कुछ समन जारी हुई लेकिन उनका कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपके चैनल को मैं साधुवाद दूंगा कि आपने जो सवाल उठे, पहला सवाल जो है आपका कि 75वां अमृत महोत्सव, जब देश आज़ाद नहीं है, जब देश गुलाम है, जब देश लीज पे है 99 साल का, आप गोपालाचार्य और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का उस पर शाइन है, आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछ सकते हैं, जो लर्नेड लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं कि क्या 1947 में भारत आज़ाद हुआ पूर्ण रूप से? नहीं हुआ, ये लीज पे है। और लीज पे जब है, जब हम कोई एक मकान 25 साल के लिए लेते हैं तो 25 साल पूरा होने के बाद मकान छोड़ना होता है, आप कब्जा कर लो अलग बात है, लेकिन 99 साल के लीज पे है। यहाँ पे हमारा भारत का जो प्रधानमंत्री होता है, अगर वो लंदन जाना है तो वो वीजा लेके जाएगा, लेकिन वहाँ की रानी या महारानी, वहाँ का राजकुमार अगर इंडिया में आता है तो बिना वीजा का उसके यहाँ एंट्री है और उनका स्वागत होता है। कि वो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान मेरा है, मैं लीज पे दे रखा हूँ। तो पहली बात तो ये कि देश पहले स्वतंत्र नहीं है, पहले तो इसे स्वतंत्र करो, फिर अमृत महोत्सव मनाओ। लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता हमें मिल गई थी, ये बात तो बताई जाती थी, पढ़ाया जाता गलत था। ये गलत है, क्योंकि यही जो है मिस लीड किया जा रहा है। जो हमारे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भी खामोश होते हैं इसी में बैठ करके, और ये सही तरीके से जनता तो एक भेड़ की तरह, हम सब गधे लोग हैं, मैं भी उसमें गधा हूँ, तो गधे लोग हैं जो कह देते हैं वो भेड़ की तरह चलते हैं, तो हम लोग को जैसा कहा जाता है। हम 1947 से अगर देखते हैं और 2014 तक तो बहुत से प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने भी इस बात को जो है नहीं बताया, नहीं उठाया हिंदुस्तानियों के लिए, लेकिन 2014 के बाद जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो वो तो इस चीज से आम जनता को अवगत करा सकते थे, तो इसका मतलब उन्होंने भी सभी आम जनता को अंधेरे में रखा हुआ है। सभी को राज चाहिए, सभी को कुर्सी चाहिए, सभी जानते हैं, सभी समझते हैं, लेकिन यहाँ पे राजतंत्र या सुशासन की बात कोई भी नहीं करता, वो चाहता है एन केन प्रकांड तरीके से मेरी कुर्सी बचा रहे और मैं प्रधानमंत्री बना रहूं, मैं राजा मठाधीश बना रहूं। और यही वजह है कि मुख्य मुद्दा जो हमारा यहाँ होता है कि देश हमारा स्वतंत्र होना चाहिए, जनता हमारी आज़ाद होनी चाहिए, जिस तरह से फिनलैंड है, जिस तरह से स्विट्जरलैंड है, जहाँ पर कोई समस्या नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है, कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, आज हमारे हर पग पर पुलिस स्टेशन की ज़रूरत है, आज हमारे पास हर जगह जो है हम पुलिस ढूंढ रहे हैं, कोर्ट ढूंढ रहे हैं कि हमें न्याय मिले, आज परेशान है जनता। जनता एक तरफ जो हमारी 30,000 कोटियां बहुत सारे भगवान बना लिया है और हमारी आस्था में डूबे हुए हम लोग हैं, वहीं पे जब हम बाहर निकलते हैं तो पोस्ट ओ, जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर को भगवान कहते हैं, जब हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जज को भगवान कहते हैं, माय लॉर्ड कहते हैं, तो हम और जो भी अगर नेता होता है जिससे हमें कोई काम होता है, जिससे हम फरियाद लेने जाते हैं, हम उन्हें कहते हैं माय बाप, आप ही मेरे भगवान हो, तो इस तरह का कितने भगवान हम लोग चलाएंगे। तो ऐसी सूरत में मेरा ये कहना है कि सबसे पहले हमें जो है आर्थिक आज़ादी मिलनी चाहिए, हमें जो तो है क्या ये संभव है कि हमें जो है पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र हो पाएंगे भारत? बिल्कुल होगा, जनता देखिए पहली बात तो है कि जनता जागरूक हो गई है और अब अंग्रेज इतने टूट गए हैं कि वो हमारे देश को ले नहीं सकते। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, दिल्ली का आनंद पर्वत, हाँ जसराज का उसका है पूरा स्टेट, उसका केस चल रहा है लंदन में कि ये मेरी पूरी प्रॉपर्टी है, लेकिन उस पर लोग रजिस्ट्री करा लिए, उस पर फैक्ट्री बना लिए, उस पर घर बना लिए, क्या वो खाली हो जाएगा? एक पूरा मुंबई एक गुप्ता फैमिली का है, तो क्या गुप्ता फैमिली पूरा मुंबई खाली करा देगा? वो कॉन्टिनेंटल एरिया था,
तो अब बस गए, तो जहां बस जाता है वो उसी का जगह हो जाता है। और अब सुप्रीम कोर्ट और जगह ने कहा, यहां तक कलकत्ता में है, कि अगर 15 साल किसी घर में रह लिया, आप किराए में है, तो वो घर आपका हो गया। तो इसका मतलब 99 साल का हमें जो लीज में मिला है, तो 1947 से हम 75वां अमृत महोत्सव काल मना रहे हैं, 75 साल हमें इंडिया में रहते हो गए, तो इसका मतलब इंडिया हमारा हो गया। तो इंडिया हमारा नहीं ले सकते, वो हमारा हो सकता, इंडिया हमारा हो गया, लेकिन बेईमानी तो है, बेईमानी तो है ना। हम स्वतंत्र रूप से अगर हम पूरी तरह से कहें, अनाउंसमेंट हो पार्लियामेंट के हो कि अब हमारा देश पूर्ण रूप से आजाद है, और इस पे किसी तरह का, चाहे ब्रिटिश का, जब आज बड़े बड़े केसेज होते तो उसकी जो है सौदा मसौदा जो है लंदन में होता है, हम नहीं सुनेंगे किसी अंग्रेज का। हमारे क्या 19 कंपनियां जो अंग्रेजी कंपनियां हैं, जिसको टैक्स नहीं देना होता, अगर उसके गाड़ी से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उस पे 302 नहीं लगेगा, अम्बेसडर पे नहीं लगेगा। तो इस तरह की जो दो तरह की बातें हैं, जो भेदभाव है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जाके अमेरिका में कहते हैं, यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे कहते हैं कि हमारे देश में भेदभाव नहीं है, और अगर भेदभाव है तो लोकतंत्र नहीं है, और वो कहते हैं मानवाधिकार नहीं है तो हमारा लोकतंत्र नहीं है। मैं दो बातों पे बात करना चाहता हूं कि अगर यहां पे मानवाधिकार का हनन हो रहा, शोषण हो रहा, अत्याचार हो रहा, मणिपुर में आग लग रहा है, हमारी बहु बेटियों के साथ विजित हो रहा। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि रेसलर की बातें नहीं मानी गई, उनको इतना झेलना पड़ा, उसके बाद में खदेड़ा गया, मारा गया, अरेस्ट किया गया, और उस बृजभूषण को बचाने के लिए वहां पर क्या क्या सौदा हुआ, बृजभूषण विदेश में जाकर के क्या खिचड़ी पकाया, क्या सौदा हुआ, ये तो अंदर की बात है, वो जरा सा निकालना आज हमें जरूरत है कि उस पे भी स्ट्रेन करना चाहिए, उस पे भी हमारा जो है कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें हमारे आरटीआई लगे और बताएं कि क्या क्या धंधा और किस तरह से बातें हो रही हैं। तो इस तरह से देश जो है टुकड़ों में बटा हुआ देश जो है हम लोग नफरत में जी रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर रहे हैं, हम नौकरी की बात कब करेंगे? आपने 2 करोड़ देंगे, आपने 1 लाख भी नहीं दिया, आपने कहा मैं 15 लाख दूंगा, आप 1 रुपया नहीं दिया, दो ब्लैक मनी आपने देश से लाए, बाहर भी देशों से, आप कहाँ दिया? आपने नौजवानों को कहा कि मुद्रा योजना दिया, क्या दिया? आपने कहा कि मैं स्वास्थ्य दूंगा, स्वास्थ्य की बुरी हालत है, आपने COVID-19 में 40,000 लोगों को, हिंदुस्तानियों को मार दिया इंजेक्शन मार के। हमारे रामदेव बाबा ने कहा, उन्हीं के आदमी ने कहा कि जिन जिन लोगों ने इंजेक्शन लिया है उनको हार्ट अटैक हो रहा है। तो भैया ये क्या मामला है? आपके देश के हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं कि साहब अगर हम नहीं जीतेंगे कर्नाटका में तो यहाँ पे जो है दंगा हो जाएगा। अरे भाई आपका शासन है, आपके डंडे हैं, आपने सेंगुल रखा है पार्लियामेंट के अंदर, आप उस डंडे से मारिए। तो आप अगर देश को नहीं संभाल सकते, देश को सुशासन नहीं दे सकते, आप कुशासन दे करके गलत रास्ते पे ले जा करके देश को बेच करके कॉरपोरेट हाउस में आप दुनिया को दे करके पूरा भारत को कंगाल बना देंगे। आज जहां हमारा जो है हमारे पे लोन था, आज 25 लाख करोड़ जो है हमारे भारतीयों पे आ गया है, हम लाखों करोड़ों के ऋणी हो गए हैं। आज अगर विदेशी हम पे करता है तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से पैसा देंगे? अपना घर बेचें या जमीन बेचें या अंगूठी बेचें या खुद को बेचें या खून बेचें? तो आज हम सब ऋणी हो गए हैं, और इस तरह से हम जो है जो मानसिक गुलाम हो गए हैं, उस मानसिक गुलामता में हमें निकलना होगा, और भारत के हर एक नागरिक को, हर एक नौजवान को, हर एक समझदार को आवाज़ देना होगा, जो रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट्स। और आपका जो जना क्रोश है, जो अंदर से बाहर से तो कपड़े में है, बड़े अच्छे तरीके से दिख रहे हैं, भोले भाले दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से गायब है। उनके घरों में जाइए, उनकी यहाँ रोटी नहीं है, उनको जाइए घरों में, कहते मैंने तो गैस सिलेंडर दे दिया। अरे दे दिया, उसमें 1200 रुपये कहाँ से आए, उसमें हम भरें कहाँ से गैस? जब घर में नहीं बैसेंगे तो हमारे पास आटा भी महंगा हो गया, तेल भी महंगा हो गया, सब्जी भी महंगा हो गया, तो हम क्या वो गैस सिलेंडर पे झुनझुना बजाए? तो जाके देखिए गांव में, उस पे वो कुर्सी बना लिए, उन्होंने नदियों में फेंक दिया, तो क्यों हुआ? तो ऐसी योजना पर योजना आप जो कहते हैं कि आप हम समाज के लिए, देश के लिए, सब बराबरी के लिए आप कर रहे हैं, तो वो बराबरी कहाँ है? और विदेशों में जाके आप कह रहे हैं कि मैं बराबरी का, समानता के साथ, सारी योजनाएं जो हम हर समानता के साथ दे रहे हैं, हम मानवता का दे रहे हैं, हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, और हम धार्मिक उन्माद नहीं करते, तो आप धार्मिक उन्माद जाकर के इलेक्शन के वक्त में क्यों करते हैं? आप जय बजरंग की क्यों करते हैं? आप केरला फाइल की क्यों बात करते हैं? आप लिंगायत की बात क्यों करते हैं? आप आरक्षण बंद करने की बात क्यों करते हैं? आप मंदिर मस्जिद की बात क्यों करते हैं? आप मुख्य मुद्दा की बात कीजिए ना, हम आपको जय हो करेंगे। मैं तो आज भी मोदी जय हो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारे जो 303 जो सांसद हैं, जो अंधभक्त हैं, जो उनको साथ दे रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि आप सचेत हो जाओ, नहीं तो जनता आपको सड़कों पे मारेगी,
जो है पेड़ों में बांध के मारेगी और हराएगी, तब समझ में आएगा कि तुम्हारी अंगभक्ति कहाँ जाती है। मैं मोदी जी को सैल्यूट करता हूँ कि इनको संभाल रखा है और उनमें एक एक आर्ट है, उनमें एक मार्केटिंग करने का सिस्टम है, इसलिए मैं उन्हें सैल्यूट मारता हूँ। लेकिन 303 जो सांसद हैं वो सब के सब अंगभक्त है और उन्होंने हमारा जो एक बना रखा है सिस्टम उस कवच में जहाँ हम घूट घूट के मर रहे हैं। 2024 की जो इलेक्शन है उसमें क्या लगता है आपको कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी या अन्य पार्टियों से कोई पीएम का चेहरा सामने आएगा? मैं जनवरी से भाजपा हराओ अभियान चला रहा हूं और उसमें सफलता मुझे कर्नाटका में मिली है और मैं आगे बढ़ रहा हूं। अभी जो लोग विपक्ष सारे लोग मिल करके पटना में जो 23 को इन्होंने मीटिंग किया, अभी इसमें कुछ कमियां भी हैं तो ये अब आगे जाके 12 जुलाई को या और भी कोई डेट पर के शिमला में फाइनल होगा। लेकिन अगर ये विपक्ष सब मिल जाए तो मैं समझता हूं कि बीजेपी 100 से नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर ये विपक्ष बिखर गई और ये बिखरने की कोशिश की जा रही है, आरएसएस उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है, सत्ता इसे तोड़ने की कोशिश कर रही है, बाहरी जो पावर है वो इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है, अगर ये टूट गया बिखर गया तो मैं समझता हूँ कि फिर विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल होगा। 24 में फिर बीजेपी आ जाएगी और अगर 24 में बीजेपी आ गई किसी तरह से, हालांकि हमारी पूरी चांसेज है कि नहीं आएगा, जनता जाग गई है, जनता उनको हराएगी जैसे जनता ने कर्नाटका में हराया। कांग्रेस ने नहीं हराया बीजेपी को, जनता ने बीजेपी को हराया, जनता ने मोदी जी को हराया, वहां कांग्रेस जीती नहीं है, मैं आपके चैनल से बता दूं। तो इसी तरह से 24 में जनता जीतेगी, जनता उसको हराएगी, लेकिन अगर नहीं हरा पाई तो ये लोकतंत्र हमेशा के लिए ख़त्म, राजतंत्र स्थापित हो जाएगा। आप फिर डंडा खाते रहिए और आप जो है आप जो बोल रहे हैं वो मत बोलिए और घरों में रहिए, डंडा खाइए। तो सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, अपने विचार दिए हम जनता के लिए, जनता को जागरूक होना होगा और फिर हम एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।